सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायसि प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी जीवन
सायुधाय स्वभक्तिकाय भगवते श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। उभय चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रगतेस्वभावत् करोमि यत्तत् सकलं वरस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री गोदारंगनाथ भगवान की, श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, अखंड भारत राष्ट्र की, गौ माता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमते रामानुजाय नमः।
आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम मदिनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वशनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वशनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम भूपम
सप्ताह ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस के सत्संग वेला में अपन लोग पधारे हैं। कि सोही घड़ी सुलक्षणी अरे जब निक मुख सतराम और घड़ी सब विष भरी सरे नहीं कोई काम। वही समय समय है जिस समय में हमारा मन भगवान की ओर सत्संग की ओर मुड़ जावे, वही सबसे उत्तम समय है। देखो संसार तो अपन नहीं थे तो भी चल रहा था, अपन आए हैं तो भी चलता रहेगा, और अपन नहीं रहेंगे तो भी संसार तो चलता रहेगा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सबसे उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे इस मानव शरीर में भगवत प्राप्ति करना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लेकिन भला आदमी क्या करता है संसार में आने के बाद में सांसारिक चर्चाओं में सांसारिक कार्यों में जुट जाता है। हाँ संसार में आए तो समाज में परिवार में तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए अपना, हमें भगवत प्राप्ति करना है। व्यापार भी करना पड़ेगा, सर्विस भी करना पड़ेगा, ये इतना सब कुछ करने के बाद में अपना लक्ष्य एक ही रखना है कि हमें इस मानव शरीर से भगवत प्राप्ति करना है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कल के प्रसंग में अपन भगवान गोवर्धन की पूजा की थी, सब ब्रजवासी भगवान के साथ में गोवर्धन नाथ को भोग लगाया था। इतनी जयकार हुई गोवर्धन नाथ की, बोले गोवर्धन नाथ
अति प्रसन्न हुआ और सब ब्रजवासियों ने मिलकर के गोवर्धन नाथ की जयकार की। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। ये आवाज कई दूर तक फैली। देव ऋषि नारद जी के कानों में पड़ी। बोले किसकी पूजा हो रही है? तो देव ऋषि नारद जी जाकर के देवराज इंद्र को सूचना कर दी। देवराज, आज कई वर्षों से तुम्हारी पूजा होती आई है, लेकिन आज तो वृंदावन में नंद बाबा के गोपाल ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी है। तो बोले किसकी पूजा की आज? बोले तुम्हारी पूजा तो बंद करवा दी और गोवर्धन नाथ की पूजा की है। तो देवराज को क्रोध आ गया। बोले मेरी तो आज कई वर्षों से पूजा होती आ रही है, इस नंद बाबा के छोकरे ने मेरी पूजा बंद करवा दी, अब ब्रजवासियों को मैं बताता हूं। तो देवराज इंद्र ने संवर्तक मेघों को आदेश दिया। संवर्तक मेघ कौन से होते हैं? जो प्रलयकालीन जब पृथ्वी के ऊपर प्रलय होता है उस समय बारिश करते हैं, उसे कहते हैं संवर्तक मेघ। तो संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ उस ब्रजमंडल को बहा दो। तो संवर्तक मेघ आकर के वृंदावन पर ब्रजमंडल में इतनी बारिश की 7 दिन तक 7 रात्रि तक लगातार बारिश होती रही। अब जैसे ही बारिश होने लगी तो सब ब्रजवासी घबरा गए और कन्हैया के पास आकर कहने लगे, कन्हैया हमने पहले कहा था ना कि देवराज इंद्र नाराज हो जाएगो, तुमने उसकी पूजा बंद करवा दी। तो भगवान कहने लगे कि ब्रजवासियों घबराओ मत, मेरे साथ आओ। तो भगवान सब ब्रजवासियों को अपने साथ कहे। बोले गोवर्धन की पूजा की तो गोवर्धन नाथ ही हमारी सहायता करेगा। समस्त ब्रजवासी कन्हैया के साथ में गए हैं और भगवान गोवर्धन नाथ के पास जाकर के वंदन किया है। हे गोवर्धन नाथ, हमारे ब्रजवासियों की रक्षा करो। तो भगवान अपने दाहिने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी को अलग किया है और अपना दाहिना हाथ गोवर्धन नाथ के नीचे में डाला और जैसे हवा में गुब्बारा उड़ता है वैसे धीरे 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 गोवर्धन नाथ ऊपर की ओर उठे। भगवान ने अपने कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर में गोवर्धन नाथ को धारण किया है और भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों घबराओ मत, सब गोवर्धन नाथ के नीचे आ जाओ। समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल गैया सब दौड़ दौड़ करके गोवर्धन के नीचे आ गए। भगवान अपने कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर में गोवर्धन नाथ को धारण किया है। गोवर्धन नाथ को धारण करने पर भगवान का एक नाम आज और दे दिया है, गिरिराज धारण भगवान की। आज प्रभु ने गिरिराज को धारण किया ना। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए तो भगवान के छोटे छोटे मित्र कहने लगे, कन्हैया आज 2 दिन हो गए तो कनिष्ठ अंगुली के ऊपर में धारण कर रखा है गोवर्धन नाथ को, थक गए हो लाला, तनिक थोड़ा तुम विश्राम कर ले, हम उठा करके रखेंगे थोड़ी देर। तो भगवान ने कहा कि मित्रों मैं उठा रखा हूं सो ठीक है। तो भगवान के मित्र कहने लगे कि कन्हैया तू सोच रहा हो कि मैंने गोवर्धन नाथ को उठाया है, देख हम सब मित्रों ने अपने अपने लकड़ी लगा रखी है ना, तो थोड़ा थोड़ा वजन हम भी उठा रखे हैं, तो ये मत सोचना कि मैंने ही गोवर्धन नाथ को उठाया। तो भगवान ने कहा फिर ठीक है मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। तो भगवान ने थोड़ी सी अंगुली को नीचे किया,
अब जैसे ही नीचे किया तो तड़ा तड़ करके सबकी लकड़ियां टूटने लगी। अरे कन्हैया ये गिरिराज तो हमसे नहीं उठते बनता भैया, इसको तू ही संभाल। तो भगवान ने कहा कि तुम तो कह रहे थे ना, नहीं नहीं कन्हैया इस गोवर्धन को तू ही उठा भैया। 7 दिन हो गए, 7 रात्रि हो गई, भगवान गिरिराज को अपने कनिष्ठ का अंगुली पर धारण कर रखे हैं। 7 दिन बाद में प्रभु भगवान ने कहा कि अरे मित्रों तुम एक बाहर जाकर के देखो कि अब पानी बंद हुआ कि नहीं हुआ, 7 कोस का गोवर्धन नाथ है। तो 2-4 मित्र बाहर आकर के देखते हैं तो उस वृंदावन में तो मिट्टी उड़ रही है, पानी की एक बूंद तक दिखाई नहीं दे रही। भगवान के मित्र आकर कहने लगे कन्हैया अब तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, परीक्षित महाराज कहने लगे कि वो इतना पानी कहाँ गया। बात ऐसी है भगवान जब रामावतार में वनवास व्यतीत करके जब अयोध्या लौटे थे तो जगत जननी जानकी जी ने एक बार प्रभु से कहा कि प्रभु आज कोई ऐसे तपस्वी ब्राह्मण को बुलाओ कि मैं उसको भोजन करा करके तृप्त हो जाऊं। कोई भी ब्राह्मण आता है, 4 फल की खाता है, थोड़े सी मिठाई लेता है, थोड़ी खीर लेता है। तो भगवान कहने लगे कि जानकी जी आज ऐसे तपस्वी ब्राह्मण को मैं बुला तो लूंगा लेकिन तुम भोजन कराते कराते थकोगी तो नहीं। तो वो जानकी जी कहते हैं नहीं नहीं आप बुलाओ तो सही। महाराज राघवेंद्र प्रभु ने ऐसे ऋषि को बुलाया है, ऋषिवर आए हैं भोजन करने लगे। अब जैसे ही भोजन करने लगे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जानकी जी ने रिद्धि और सिद्धि को रसोई घर में बुला ली। गणेश जी महाराज पूड़ी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बना रही है, जानकी जी परोसने का काम कर रही है। ऐसे करते करते 7 दिन व्यतीत हो गए, जानकी जी तो परोसते परोसते ही थक गई। तो जानकी जी ने जाकर के कहा ऋषिवर भोजन जब आधा हो जाता है तो बीच में थोड़ा पानी पिया जाता है। तो ऋषि ने कहा कि जानकी जी अभी आधा हुआ तब पानी पिए ना, जो व्यक्ति 7 दिन तक भोजन करने के बाद भी कहते हैं कि अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। महाराज प्रभु ने ऋषिवर को कहा कि हे ऋषिवर अब जानकी जी थक गई है इतना ही रहने दो। तो ऋषि ने कहा कि देखो जानकी जी अब हम तृप्त हैं। तो जानकी जी ने कहा कि आप इस युग में तो भोजन कर लो, अगले युग के अंदर में आपको पानी पिला देंगे। जो त्रेता युग में भोजन किया है और द्वापर में पानी पिएंगे। महाराज जैसे ही द्वापर के अंदर में देवराज इंद्र ने इतनी पानी की बारिश किया, उस समय उन ऋषिवर को निमंत्रण दिया कि महाराज आपने त्रेता युग में भोजन किया और इस द्वापर युग में आप पानी पी लो। तो वही ऋषि त्रेता युग वाले आकर के द्वापर में देवराज इंद्र ने जितना पानी की बारिश किया था वो पूरा का पूरा पानी एक चुसड़की के अंदर में पान कर गए, पी गए। तो परीक्षित को बताया कि वो पानी वो ऋषि आकर के पी गए हैं। भगवान ने सभी मित्रों से कहा कि मित्रों
अब अपना अपना सामान लो और गोवर्धन नाथ के नीचे से निकाल लो। सभी मित्रों ने अपने अपने गैया अपने अपना घर का सामान गोवर्धन नाथ से नीचे से निकले हैं। भगवान ने धीरे से गोवर्धन नाथ को वापिस स्थापित कर दिया है। सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार करने लगे हैं। आज गोवर्धन नाथ की जयकार कर रहे हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। सब ब्रजवासी गिरिराज को परिक्रमा कर रहे हैं कि हे गिरिराज, हमारे इस ब्रजमंडल में तुम्हारे सिवाय और हमारी कौन रक्षा करेगा। तो सब ब्रजवासी गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हे गोवर्धन नाथ, हम तुम्हारे सिवाय इस ब्रजमंडल में हमारी रक्षा कौन करेगो। सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की परिक्रमा की है। भगवान सभी मित्रों को वापस वृंदावन में अपने अपने घरों में सब ब्रजवासी आ जाते हैं। आज प्रभु माता यशोदा से कह रहे हैं कि अरे मैया, हमने 7 दिन तक गोवर्धन को उठाए रखा ना, इसलिए हम थक गए हैं। कल सुबह हमको तुम जगाना मत, हम अपने आप ही उठ जाएंगे, लेकिन तुम जगाना मत। मैया यशोदा प्रातःकाल कन्हैया कह दिया था कि आज मेरे को जगाना मत। नंद बाबा का नियम था कि वो ब्रह्म वेला में 3 बजे ही यमुना स्नान की ओर चले जाते थे। देखो पुराने जमाने में घड़ी तो थी नहीं, तो उस दिन नंद बाबा को ऐसा लगा कि शायद 3 बज गए होंगे और रात्रि में 2 बजे ही यमुना स्नान के लिए चले हैं। अपना शास्त्र कहता है कि रात्रि के अंदर किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी वृक्ष को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने शास्त्र की मर्यादा है कि सबको शांति अति आवश्यक है। ओम ध्यो हो शांतिरिंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोखधय शांति वनस्पतय शांतिर विश्वे देवा शांति सर्वगुम शांति सामा शांति रे दी। सबको शांति होना। तो नंद बाबा को समय का पता नहीं चला और रात्रि में 2 बजे ही यमुना में स्नान करने के लिए चल पड़े। जैसे ही यमुना जी के अंदर स्नान करने लगे तो उस समय वरुण देवता के पार्षद घूम रहे हैं। तो पार्षदों ने देखा कि इस समय में बाबा स्नान कर रहे हैं, तो नंद बाबा को पकड़ करके वरुण देवता के पास लेकर के चले गए। वरुण देवता ने एक सिंहासन लगाया है और नंद बाबा को उस सिंहासन के ऊपर में बिठा दिया। नंद बाबा की आरती उतारी। वरुण देवता ने देखा कि अब आज नंद बाबा को पकड़ लेंगे ना, तो इनको छुटाने के लिए कन्हैया आएगा ही। जब हम भगवान का दर्शन हमें हो जाएगा, इसलिए वरुण देवता ने नंद बाबा को सुंदर सिंहासन पर बिठाया है। सुबह 7 बज गए, 8 बज गए, नंद बाबा अभी तक घर नहीं आए। तो यशोदा चिंतन करने लगी, चिंता करने लगी कि आज नंद बाबा आए क्यों नहीं। जाकर के कन्हैया को जगाने लगी, अरे बेटा कन्हैया। कन्हैया उठा, बोले माता क्या हुआ माँ।
बोले तेरा बाबा आज स्नान करने गया था, तब से आज आया ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मां अभी पता लगाता हूं, तो आज पिता खो गया है और पुत्र उसका पता लगाने के लिए जा रहे हैं। भगवान बाल कृष्ण यमुना के तट पे आए हैं, बाबा की चरण पादुका पड़ी है, बाबा के वस्त्र बाहर पड़े हैं पहनने के। उस समय भगवान ने देखा कि बाबा यमुना में अंदर गए हैं, तब से शायद बाहर निकले ही नहीं है। उसी समय भगवान बालकृष्ण यमुना के अंदर कूद पड़े, यमुना के भीतर गए हैं। नीचे गए तो जाकर देखा कि वरुण देवता नंद बाबा को सुंदर सिंहासन पर बैठा करके सेवा कर रहे हैं। वरुण देवता ने जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान का स्वागत किया है, शंख बजाया है, भगवान बाल कृष्ण का स्वागत किया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान की आरती उतारी, भगवान कहने लगे अरे वरुण तुम हमारे बाबा को क्यों पकड़ करके लाए। बोले प्रभु ऐसे तो आपका दर्शन होता नहीं, आपको बाबा को हमने पकड़ लिया तो हमने सोचा कि बाबा को लेने के लिए तो लाला आएंगे ना, तो आपका दर्शन हो जाएगा। तो भगवान ने कहा चलो मेरा दर्शन कर लो और मेरे बाबा को छोड़ दो। बोले प्रभु आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराओ। तो भगवान सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, चतुर्भुज स्वरूप प्रभु ने बनाया है। वरुण देवता ने भगवान की दिव्य आरती उतारी है। यह दृश्य नंद बाबा बैठे बैठे देख रहे हैं कि मेरे लाला क्या कर रहा है। जैसे ही वरुण देवता ने आरती उतारी भगवान ने कहा कि अब ठीक है। बोले हां प्रभु अब ठीक है, आपका दर्शन करके हम तृप्त हो गए। महाराज नंद बाबा को लेकर के भगवान अब बालक बन गए और नंद बाबा का हाथ पकड़ करके यमुना से बाहर आए। अब जैसे ही बाहर में आए नंद बाबा नंद भवन में पहुंचे हैं। एक दिन नंद बाबा वृंदावन की जो चौपाल थी वहां पर बैठे थे, अपने नेत्र बंद किए हैं और मन मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा कन्हैया जो है ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैं जब से यमुना में गया तो मेरा लाला चतुर्भुज स्वरूप बन गया था, तो मेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, तो नारायण है। इतने में एक गोप आ गया, बोले बाबा क्या आज तूने भांग खा ली क्या, ऐसे झूम क्यों रहा है। तो नंद बाबा कहने लगे कि अरे गोप क्या बताऊं, मेरा लाला जो है ये भगवान है। बोले भगवान है। बोले हां कैसे। बोले कल रात्रि में मैं स्नान करने के लिए यमुना जी में गया, वरुण देवता के लोग मुझे पकड़ करके ले गए और लाला मेरे को छुड़ाने के लिए आया, तो उस समय मेरे लाला ने चतुर्भुज स्वरूप बन करके वरुण देवता को दर्शन दिया है। अब तो सब ब्रजवासी दौड़ करके लाला से कहने लगे अरे लाला क्या तुम्हारे नंद बाबा को ही दर्शन देगा, हमको चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन नहीं कराएगा। तो भगवान कहने लगे कि ब्रजवासियों मेरे लाला को मेरे बाबा को दर्शन कब हुआ था, जब यमुना में डूब गया था, क्या तुम यमुना में डूबोगे।
तो सब ब्रजवासी कहने लगे, यमुना में क्या, हम तो समुद्र में डूबने को तैयार हैं, आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन तो कराओ। तो भगवान कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, मैं तुम्हें अवश्य, कभी समय आएगा तो तुम्हें उस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। देखो, भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करना चाहिए, कभी परीक्षा नहीं करना, प्रतीक्षा करो। कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। रोज रोज स्तुति करो प्रभु को, कभी न कभी तो दया आएगी, कभी न कभी तो हमें दर्शन देंगे। तो ऐसे वृंदावन के ब्रजवासी जो हैं, प्रभु को नित्य निरंतर पुकारते रहते हैं। महाराज, वृंदावन की महिमा अत्यंत ही विलक्षण है। वृंदावन के हर कण कण में प्रभु निवास करते हैं। वृंदावन आप कभी जाओ, गए होंगे, तो वृंदावन की एक विशेष बात है कि वृंदावन में वहां की जो भूमि है, जिसका एक कण गौर है और एक कण श्याम है, तो श्याम कण के अंदर में प्रभु का निवास है और गौर वर्ण में राधा जी का निवास। तो वृंदावन के कण कण में प्रभु निवास करते हैं। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी सभी ग्रंथों का सार निकाल करके एक ही अंत में बात कही कि वृंदावन बैंकुंठ को अरे तोलो तुलसीदास, भारी रहो सो यहां रहो और हलको गयो आकाश। वृंदावन यही रहा क्योंकि वृंदावन सबसे भारी था। उस वृंदावन के कण कण में प्रभु का निवास है। वृंदावन की भूमि में लौट जाना, कभी प्रभु अवसर दे तो वहां उस वृंदावन की भूमि में लौटना, क्योंकि वहां पर कण कण में प्रभु निवास करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसे वृंदावन के ब्रजवासियों की विलक्षण कथा परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं। अपन भी मन से वृंदावन के कुछ महिमा का गान करें। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, राधे राधे गाए जा राधे राधे, राधे राधे गाए जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा
जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, चीला बनाते हैं ना घर में, तो ये वृंदावन की जो लीला है ये गुड़ की चीला के समान नहीं है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, वो अपना ध्यान ज्ञान सब लगा करके वृंदावन की भूमि पर लौट जाते हैं। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को जामे, ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे, ऋषि मुनि गए